तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। लगातार हम आपको उन किसानों से मिला रहे हैं जो आधुनिक खेती करके मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं और परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ अग्रसर हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो काफ़ी बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो चुके हैं, तो उनसे हम मुलाकात करवाएंगे। कहाँ से वो हैं और कितने बार उनको जो अवार्ड मिल चुके हैं, किस प्रकार उन्होंने खेती के अंदर आधुनिकता लाकर अपने आप को अलग बनाया है सभी से। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सर, सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्या नाम है सर? सर मेरा शिव शंकर नाम है, गांव प्रभुवाड़ा, जिला हिसार से रहने वाला जी। तो हमारे साथ हैं शिव शंकर जी, प्रभुवाड़ा गांव है और जिला हिसार है। सर क्या कहेंगे आप, लगातार जो हम परंपरागत खेती करते हैं उसको एक आधुनिकता की तरफ किसान लेके जा रहा है, काफ़ी संख्या में पोली हाउस लगे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर किसान की जो आय, सरकार का जो लक्ष्य किसान की आय दुगुनी करने का, वो सबसे अच्छा है कि आप नेट हाउस और पोली हाउस की तरफ जाएं और बाग की तरफ जाएं। जो जीरी, धान, बाजरा, इससे हमारी जो फसल है वो एक सीमित मात्रा में और एक सीमित ही इनकम हमें मिल सकती है। और अगर अटके खेती करेंगे इसके अंदर में बहुत अच्छे भाव और बहुत अच्छे प्राइज मिलते हैं। तो आपको कैसे विचार आया कि आधुनिक खेती करनी चाहिए, कब से आपने शुरू की? मैंने सन 2005 से आधुनिक खेती करनी स्टार्ट की थी, जब सरकार का नया मिशन NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था, तो मैं उस टाइम मैं इसके अंदर लगा था और मैंने शुरू में 5 एकड़ इसमें बाग लगाया था। आज मेरे पास 25 एकड़ पूरे के पूरे हॉर्टिकल्चर के अंदर ही है। तो इससे पहले आप क्या करते थे, जब आपने आधुनिकता के अंदर कदम रखा उससे पहले क्या करते? उससे पहले तो मैं यही परंपरागत खेती करता था, अपने धान, जीरी वाला यही लगा के, जो आम जो खेती करते हैं, सरसों बाजरा लगा के ही काम कर रहा था। उसके बाद मैंने ये एक विभाग की को वो थी जानकारी मिली थी, मैं नया मिशन आया, मैं उसमें जुड़ा। मैं और मेरे दोस्त है परविंदर भाटिया, हम दोनों, एक जोगिंदर थे मेरे दोस्त, हम तीनों इकट्ठे मिलके गांव में काम स्टार्ट किया था। कितना फ़ायदा हुआ आपको परंपरागत खेती छोड़ के आधुनिक खेती करने में? फ़ायदा क्या जी, नीरा फायदा इसमें तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हमें हुआ है, बहुत अच्छे हम पैसे, खूब अच्छे पैसे कमा रहे हैं इससे। तो आपको पीछे आपकी जो वीडियो थी वो भी वायरल हुई थी, अखबारों में भी आप सुर्खियों में रहे थे, राष्ट्रपति द्वारा कितने बार आपको सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्वारा मेरे को एक बार सम्मानित किया गया, हरियाणा कृषि रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 बारी मुख्यमंत्रियों ने किया है मेरे को, आज तक टोटल 27 बारी सम्मानित हो चुका हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, 27 बार ये टोटल सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो जो और किसान हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना परंपरागत खेती छोड़ के थोड़ा बाग, थोड़ा एक नेट हाउस और थोड़ी सी ओपन की सब्जी, सारी थोड़ी 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 सभी लगाए, ताकि चैन सिस्टम से 7-30 साल किसान के पास इनकम का साधन बना रहे। आजकल किसानों के पास ज़मीन बहुत कम है, वो किस तरह इसमें कदम रखें? वो अगर थोड़ी ज़मीन है तो आप नेट हाउस लगा लो, उससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है किसान। और थोड़ी थोड़ी क्रॉप लगाएं सभी, जैसे 2 किसान के पास 1 एकड़ तो आधा एकड़ में बाग लगाए, 1 एकड़ में नेट हाउस लगाए, 1 एकड़ में ओपन की सब्जी करे, तो उसमें 7-30 साल किसान के पास इनकम का साधन होगा। अगर हम बात करें, जैसे किसान है पहले ही बहुत गरीब हैं, और इसमें कितना खर्च आ जाता है अगर इस प्रकार की खेती शुरू करना चाहते हैं? नहीं देखो, किसान की सरकार बहुत अच्छी सहायता कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आई हुई हैं, नेट हाउस पर भी स्कीम है, बागवानी पर भी स्कीम है, सभी पे बहुत अच्छी स्कीमें आई हुई हैं। अगर आप महकमे में जाओ, उद्यान विकास अधिकारी से अपने से मिलो, बहुत वहाँ बहुत अच्छी स्कीमें आई हुई हैं सरकार की। तो आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि अब तक आप कितने किसानों को अवेयर कर चुके हैं और आपको देख के कितने किसान आधुनिक खेती करने लगे? मेरे को देख के अब लग गए होंगे 500 के करीब किसान, 500 से ज़्यादा संख्या गिन नहीं सकते, क्यों, मेरे को देखने वाले हरियाणा, पंजाब, UP, बिहार, सब जगह से मेरे पास किसान आते हैं। तो अगर आपसे मिलना हो तो कैसे मिलें? मिलना किसान, कभी सुबह से शाम तक खेत में रहता हूँ मैं, कभी आओ किसान भाई, सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं 27 बार जो अवार्डों से इन्हें नवाजा जा चुका है, और किसानों के लिए इन्होंने कहा है कि कभी भी आप आकर इनसे मिल सकते हैं और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी इनसे ले सकते हैं। तो हम भी यही अपील करेंगे किसानों से कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता की और कदम बढ़ाएं, और इसकी तरह आप भी अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और जुड़े रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।